सेंसेक्स और निफ्टी आज 11 अप्रैल को लगातार सातवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए हैं। आईटी सेक्टर को छोड़कर आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली, जिसके चलते निफ्टी आज 17,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 311.21 अंक यानी 0.52% की बढ़त के साथ 60,157.72 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 98.30 अंक यानी 0.56% की बढ़त के साथ 17,722.30 के स्तर पर बंद हुआ है। आज करीब 2,183 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है, वहीं 1,260 शेयरों में गिरावट रही है, जबकि 109 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, इंफोसिस, एशियन पेंट्स और विप्रो निफ्टी के टॉप लूजर रहे। सेक्टोरल इंडेक्सों की बात करें तो ऑटो, बैंक, मेटल, तेल और गैस और एनर्जी इंडेक्स में प्रत्येक में 1% की बढ़त हुई है, जबकि आईटी सूचकांक में लगभग 1% की गिरावट आई है। दिग्गज शेयरों की तरह ही छोटे और मझोले शेयरों में भी खरीदारी रही। बीएससी का मिड कैप इंडेक्स 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए में आज कमजोरी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 14 पैसे की गिरावट के साथ 82.12 के स्तर पर बंद हुआ है। बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 11 अप्रैल को बढ़कर 264.48 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 10 अप्रैल को 263.13 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 12 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि एशियन और यूरोपियन मार्केट की तेजी ने आज भारतीय बाजारों में भी जोश भर दिया, जिसके चलते सेंसेक्स 60,000 के मनोवैज्ञानिक लेवल के पार जाता दिखा। तकनीकी तौर पर देखें तो इंटरडे टाइम फ्रेम पर मार्केट एक मजबूत पुल बैक रैली के बाद हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को बनाए हुए है। साथ ही 50-day SMA सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है, ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव संकेत है। ट्रेंड फॉलो करने वाले ट्रेडरों के लिए 17,650 के लेवल पर बड़ा सपोर्ट है। अगर यह सपोर्ट बना रहता है तो निफ्टी 17,800 से 17,835 का स्तर भी छू सकता है। वहीं अगर निफ्टी 17,650 के नीचे फिसलता है तो एक तेज इंटरडे करेक्शन देखने को मिल सकता है और निफ्टी 17,550 से 17,500 की तरफ जाता दिख सकता है। शेयर खान के जितिन गेडिया का कहना है कि पिछले 7 कारोबारी दिनों में निफ्टी पिछले दिन के लो के नीचे नहीं गया है, ये एक बहुत ही बुलिश संकेत है। अब निफ्टी के लिए 17,655 से 17,650 पर अहम सपोर्ट दिख रहा है। वहीं 17,700 से 17,730 पर तत्काल रेजिस्टेंस है। निफ्टी में अभी भी तेजी के संकेत कायम है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी में 17,800 का स्तर देखने को मिल सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि आज पूरे कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी में उतार चढ़ाव बना रहा। ट्रेडर्स को अब सीपीआई डेटा का इंतजार है, जो कल आने वाला है। इंडेक्स अहम मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा निफ्टी अब तक 17,500 के अहम सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। जब तक निफ्टी 17,500 के ऊपर बना रहेगा, तब तक बाजार में गिरावट पर खरीदारी की सिफारिश होगी। निफ्टी के लिए 17,640 पर तत्काल सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ निफ्टी अब 17,850 से 17,970 की ओर जाता नजर आ सकता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।